राम राम मेरे सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है दबी फुलगांधी शो। सिद्धू पाजी, थोड़े दिन पहले 1 अप्रैल थी। 1 अप्रैल को आपको सबको पता क्या होता है, अप्रैल फूल। मैं उस दिन अपने यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक बंदे की वीडियो आई, आई क्विट यूट्यूब। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उस वीडियो पे क्लिक कर दिया, उसके अंदर बोल रहा यार यार मेरे मेरे पापा ने चैनल डिलीट कर दिया, वीडियोस डिलीट कर दी, ट्राइपॉड तोड़ दिया। मैंने उसकी पूरी वीडियो, 10 मिनट की वीडियो देखी, उसके अंदर 2 ऐड चल गई। मैंने उसको स्किप भी नहीं करा, मैंने मतलब पूरी वीडियो पे अपना इमोशंस दिखाए। लास्ट में जब 10 सेकंड बचे ना, उसने पता क्या डायलॉग बोल दिया, ये देखो। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा भाई, रोड पे तो सारे लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं बाइक तेज चलाते हैं, कहीं स्लो चलाते हैं, कहीं पे भी जाना हो तो लोग लगभग रोड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन ट्रैवल करते करते एक चीज रुकावट बन जाती है, जिनको हरियाणा में मामे कहा जाता है। जिन भाइयों को नहीं पता मामे किसको कहा जाता है, तो मैं बता दूं, मामे पुलिस को कहा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सड़क पर चलते चलते जब मामे दिखते हैं तो लड़के देखो ऐसे बिहेव करते हैं। और लड़कियां देखो अब। सिद्धू पाजी, फिर एक शेर आ रहा है असली वाला, फिर सुनो। के मनु लाडले मेरे मां लाख बुराई हैं, के मनु लाडले मेरे मां लाख बुराई हैं, पर मना कदी किसी छोरी ते थाना थालो निकया। एक बार की बात है, मैं सुबह सुबह सो के उठा, सो के उठ के मैं ब्रश ब्रुश करके अपनी मम्मी के पास गया। मगर मम्मी कोई काम तो नहीं है? काम हो तो बता दो, मैं हेल्प कर दूंगा। मम्मी कह रही ना ना कोई काम नहीं, सारे काम कर दिए, तू बैठ जा अंदर जाके। मैं बैठ गया, मैं फोन चलाने लग गया अंदर जाके। बड़ा हरामी हो बेटा। 5 मिनट तक मैंने फोन चलाया, 5 मिनट में मम्मी आ गई। मम्मी मेरे को कहती आए आज तो बहुत थक गई, कोई मदद भी तो नहीं कराता मेरी यहाँ पे। ये बात सुन के मेरा रिएक्शन ऐसा होता है। अरे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। पहले के टाइम में क्या होता था, चुप कर बे कुत्ते। जैसे राम और रावण की दुश्मनी होया करती थी ना, वैसे मम्मी और फोन की होया करती थी। सही बोला। बच्चा कुछ भी काम कर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब उसने फोन उठाया और कुछ भी कर लेकर, बच्चे को बुखार हो गया और चला ले फोन, बच्चे का पेट दर्द हो रहा है और चला ले फोन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? पर अब के जमाने में माओ का रिएक्शन ही कुछ और देखने को मिलता है। ऐसे करके चश्मा, बच्चा कहेगा मम्मी रोटी बना दो, अपने बना ले चल। बच्चा कहेगा बुखार हो रहा है, मैं नहीं पता चल। अपनी लाइफ की दो सच बातें, लगभग 90% बच्चों के साथ ये बातें होती होंगी। अगर आपके साथ भी ये बात होती है तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी तो ये बात है कि फोन चलाते चलाते कोई जोक आ जाए, कोई कुछ भी फनी चुटकुला आ जाए, अगर तुम उस फोन की तरफ देख देख के हंस रहे हो और तुम्हारे घर वालों ने देख लिया, घर वालों का सीधे सक जाता है, ये साला पक्का सेटिंग से बात कर रहा है अपनी। और दूसरी बात, अपने का टॉयलेट में रहने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, 10 से 11 हो जाए तो घर वालों की आवाज आती है, ओ साले मर गया क्या, पता नहीं क्या करता रहता है टॉयलेट के अंदर। जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात। हेलो, ओ मेरा डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गया, ओ तेरी डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ये बता, तेरी गली वाली कुत्ती जूली का क्या हाल है? जिन भाइयों को नहीं पता जूली कौन है, तो मैं बता दूं, डॉक्टर की बंदी है। आदमी आया ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। कैसे जीना हराम कहाँ कर रखा है यार? सिद्धू पाजी देखना डॉक्टर डर कैसे रहा है। अरे यार तू प्यार किया है तो डरना क्या, जोर लगा लगा के बोल, हाँ मेरी गली की कुत्ती मेरी बंदी है, हाँ मेरी गली की कुत्ती मेरी बंदी है, बता सबको।
सिद्धू साहब से कहाँ पूछ रहा है, सिद्धू साहब का भी यही है कुत्ती घोड़ी बच्चे। अब हंस तू रहा है? तो इसमें गलत क्या है? अरे गलत तो तू कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू गलत थोड़ी, तू तो गलती है। देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाओ, या फिर जो बाहर कुत्तों का कॉटेज है उसमें जाकर रहो। अच्छा मेरे पास भी दो गाड़ी है, बता कौन सी सुनेगा, माँ की बहन की? हे भगवान, क्या यही दिन देखने लगे थे मेरे? ये आदमी कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहा, लोग 15 मिनट से हंसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? हेलो भगवान। अरे भगवान को कहाँ फोन मिला रहा है, भगवान भी गलतियों की नहीं सुनता। हमारे आज से सारे रिश्ते, गाड़ी निकालो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो चलो हम भी चलते हैं, मिलते हैं अगले संडे सुबह 10 बजे, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो और देख लो दमी पुल गांधी शो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राम राम जी। तो कैसी लगी आप सबको हमारी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। और भाई जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो। और जिन भाइयों ने पुराने एपिसोड नहीं देख रखे, यहाँ पे भाई 4 एपिसोड आ रहे हैं स्क्रीन पे, किसी पे भी क्लिक करो और मौज लो। मिलते हैं अगले संडे सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच।